अदिति अदिति दरवाजा खोलो। वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है और अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही है, कहीं वो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। नीलम अदिति हम लोग चाहते हैं ऐसे प्लीज हम अदिति को ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। नहीं नीलम हमें अंदर जाना चाहिए। अदिति अदिति वो औरत और उसकी बेटी कहाँ गए? हमारे सामने ही तो अंदर आए थे। अदिति अदिति आप लोग ऐसे भाग क्यों रहे हो? वो खून वो खून हो गया। खून? किसका खून हुआ है? हमारी दोस्त अदिति को खून कर दिया किसी ने। क्या हुआ क्या हुआ? कैसा शोर है? क्या हुआ, ये हल्ला क्यों मचा रखा है तुम लोगों ने? अदिति का खून हो गया है। कल आपने हमें जिस औरत और उसके बेटे के बारे में बताया था, अभी हमने उस औरत को उस अदिति के कमरे में जाते हुए देखा और जब हम उसके रूम में पहुंचे तो अदिति की लाश उनसे सनी पड़ी थी। लाश? एक मिनट मेरे साथ आओ। यहाँ अंदर बेडरूम में यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन सर हमने अदिति की लाश को यही देखा था, यहाँ बेड पर खून। मैंने भी देखा था सर, पर मैं यहाँ से कहाँ गया बुबे? काका रूम में चारों तरफ चेक करो, अगर लाश यहाँ थी तो फिर गई कहाँ? वहाँ कोई लाश नहीं। कोई लाश नहीं है पर लाश कहाँ जा सकती है? Oh, my God.
अंदर चलो, अंदर चलो। मालिनी, तू फोन कर, फोन कर। CID? का क्या मतलब है? इस वक्त लाश कहां है? पता नहीं सर, चली गई। क्या? लाश चली गई? किसकी लाश थी? अदिति की थी। कौन है अदिति? हमारी फिल्म की हीरोइन थी। एक्ट्रेस। कौन तो असली है? अगर अदिति की लाश यहाँ से चली गई तो इसका मतलब है अदिति जिंदा है। नहीं सर, सही नहीं थी, हमने देखा था मरी हुई थी। तो हम दोनों डर के मारे बाहर भाग गए और फिर इन्हें बुला कर लाए। सर, हम जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर सिर्फ खून ही पड़ा था। किसी को आते जाते नहीं देखा? नहीं सर। सर हमने देखा था, वो माँ और बेटी यहाँ पे आए थे, हमने देखा था सर। लेकिन सर हम जब यहाँ पर आए थे कोई नहीं था। हाँ सर, कोई नहीं था सर। नहीं सर, हमने देखा था, वो दोनों इसी कमरे में आई थी। वो बच्ची के हाथ में एक डॉल थी और वो डॉल को घसीटते हुए ले जा रही थी। ये झूठ कह रही है? सर ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने खुद उन्हें 3-4 बार देखा है। आप कौन है? सर मैं एक न्यूज पेपर के लिए काम करती हूँ और मेरे बॉस ने मुझे यहाँ भेजा है ये देखने के लिए कि माँ बेटी का किस्सा सच है या नहीं। तो आपके कहने का मतलब है वो माँ बेटे की कहानी सच है? जी जी सर। ये औरत है कौन? सर वो औरत यहाँ मैनेजर थी और उन दोनों माँ बेटी का कत्ल हो गया। अब कहते हैं कि उनकी आत्मा यहाँ भटकती है। पिछले 7 सालों से 4-5 कत्ल हो चुके हैं ऐसे ही। ये होटल वाले बात को दबा रहे हैं। नहीं नहीं सर। सर दारू है सर। दारू? एक्सक्यूज मी, हटिए प्लीज। ये अदिति दारू पीती थी? हाँ, अदिति शराब नहीं पीती थी। आप कौन है? मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। तो फिर यहाँ कमरे में दारू कौन पी गया? वही होगा डायरेक्टर। शाम 6 बजते उसकी घंटी बजने शुरू हो जाती है, रोज पीता है वो। इस वक्त कहाँ है? होगा अपने रूम पे। पंकज जाओ जरा लेकर आओ डायरेक्टर को। सर जब हम बाहर थे तो हमने सीढ़ियों पे एक औरत देखी थी।
वो अपने हाथ और पैर पर उल्टी चल रही थी सर, और सर उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो काफी देर तक यहाँ बाहर रही। उर्वी जाओ जरा जाकर देखो, पता लगा ये उल्टी चलने वाली आत्मा है कौन। सर क्यों मैनेजर साहब, क्या हो रहा है तुम्हारे होटल में? खून पे खून हुए जा रहे हैं, हैं? आत्माएं भटक रही है, कोई आत्मा सीधी चल रही है, कोई आत्मा उल्टी चल रही है, हैं? सर मैंने भी अभी तक सिर्फ सुना था, लेकिन आज मैंने भी देख लिया सर। सर मैं तो कल ही रिजाइन कर रहा हूँ यहाँ से। सर तुम कहीं नहीं जाओगे, और आप लोग भी होटल छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, समझे? थी कहाँ पे जब ये सब हुआ? मैं अपने रूम में ही थी, बाहर हल्ला गुल्ला सुनकर मैं बाहर आई। और आप? She is my wife. हमने कब कहा कि आपकी वाइफ नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ आप कहाँ थी? मैं अपने कमरे में ही थी। और आप इनके साथ थे? मैं विक्रम के साथ था रूम में। विक्रम? ये विक्रम कौन है? सर मैं हूँ विक्रम, इनकी फिल्म का हीरो। और तुम? मैं उस वक्त सो रहा था। ये भी सो रहा था? सब सो रहे थे अभिजीत, सब अपने अपने कमरे में थे, किसी को कुछ नहीं मालूम। अभिजीत काम करते हैं, एक एक को पूछताछ के लिए बुलाते हैं, पता लग जाएगा किसको नींद में चलकर खून करने की आदत है। हेलो, एक्सक्यूज मी, डायरेक्टर आदमी है या बंदर? ऐसे कोई रहता है? कचरा हर जगह, सब बिखरा हुआ है। हेलो यार, कमरा तो खाली है, कहीं उस डायरेक्टर को वो मां बेटी ने गायब तो नहीं कर दिया? पंकज ये सब भूत भूत की बातें फालतू की होती है, ये सब चीजों को अपने मन से निकाल दो। कौन हो तुम? मारने आए हो मुझे? तुझे मारोगे, तू मुझे मार रहा है। अरे हट जा यार, उठ। अरे सर हेल्प मी। क्या हुआ सर, कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजे में लेटा हूँ मैं यहाँ पे। अरे उठा इसको यार मेरे ऊपर से, अरे जल्दी, अरे जल्दी। उठिए सर, सर उठिए। अरे वाह, चलो लेके चलो। चलिए सर, चलो चलिए चलिए, वहाँ लेके चलो। चलिए। अरे मार दिया। डायरेक्टर बोलता है अपने आप को इतनी दारू पिया हुआ है कि ना खड़े नहीं रह पा रहा है। अरे संभालो आराम से। अरे यार सीधा खड़े नहीं रह सकते। वो लड़के सर, ए, ए, सर, सर, सर,
मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, मैंने मैंने अभी एक आत्मा देखी सर, इसने भी देखी, वो उन्होंने सर शड़ा शड़ा बिल्कुल चुप। आप लोग मुझे मुझे यहाँ क्यों ले गया है? तुम्हारे फिल्म की हीरोइन अदिति, उसका खून हुआ है और उसकी लाश होटल से गायब है। अदिति का खून हो गया? क्या कह रहे हैं आप? कब हुआ? कैसे हुआ? एक मिनट, ये आपके हाथ पे ये खून कहां से है? सर मुझे पहले से ही शक था इसके ऊपर, इसने नहीं मारा होगा अदिति को। अरे मेरे हीरो हीरोइन को परेशान करता था हमेशा ये, अरे जो फिल्म 15 दिन में कंप्लीट होनी चाहिए उसे 25 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाया इसने, करोड़ों का नुकसान करवा दिया ऊपर से। हाँ ये सब तुम्हारी उस मनपसंद हीरोइन अदिति के कारण हुआ। अरे बताती क्यों नहीं अपनी बीवी को कि कितना प्रेशर बनाया मेरे ऊपर उसको हीरोइन लेने के लिए? ये मनोज जो भी कह रहा है क्या ये सच है? हाँ आदित्य और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा था बता मुझे। सर इस प्रोड्यूसर की फिल्म तो बिकनी नहीं थी, इसलिए इसने ये तरीका अपनाया, इसलिए इसने ये ड्रामा किया है, एक भूतिया फिल्म के सेट पर एक हीरोइन की मौत, ताकि ये न्यूज देख के लोगों की भीड़ जमा हो जाए। बस ये आपस का झगड़ा बंद करो और ये बताओ ये खून का दाग कैसे आया? सर इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर, ये सब साजिश है मेरे खिलाफ। हमें अदिति के कमरे में एक ग्लास मिला है, उसमें शराब थी समझे? पूरी यूनिट में तुम ही शराब पीते हो। बिल्कुल नहीं, मेरे अलावा यहाँ और लोग भी शराब पीते हैं। सर आप इसी से पूछ लीजिए। विक्रम तुम बताओ, तुम कल मेरे कमरे में आए थे ना शराब की बोतल लेने के लिए? क्या सर लगता है इसकी अभी तक उतरी नहीं है, मैंने इससे कोई बोतल नहीं ली थी। और तुम मुझे इसमें ना ही घसीटो ना तो अच्छा होगा। क्या तुम में से कोई मनोज के कमरे में गया था? नहीं सर, हम तो कोई नहीं। अभिजीत है ना बड़ी अजीब बात, फिल्म के डायरेक्टर के कमरे में उसे कोई मिलने नहीं गया, ना कोई एक्टर गया, ना कोई टेक्नीशियन गया, ना प्रोड्यूसर गया, फिर भी हाँ सर फिर भी शराब से भरा गिलास अदिति के कमरे में पहुंच जाता है, अदिति की लाश कमरे से गायब और होटल के अंदर आत्माएं घूम रही, कमाल है। आत्मा सर, पूर्वी आत्मा को लेने गई है ना, तो कहीं आत्मा ही पूर्वी को ले। एक काम करो पंकज, तुम जाके मदद करो पूर्वी की। अगर मनोज कह रहा है कि उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है तो हम इसका कमरा चेक करते हैं। ये देखो, ये तो बिल्कुल वैसा ही ग्लास अदिति के कमरे में था। हाँ एक मिनट, खून खून लगा हुआ धागा। अभिजीत वूलन का धागा है ये, वूलन का, और उस पर खून लगा हुआ है। सुनिए या ये इसे देखिए, ये वुलन के कपड़े का टुकड़ा है, वुलन का, ये मनोज हमें तुम्हारे कमरे में से मिला है। ऐसा कोई कपड़ा नहीं है मेरे पास सर। चलो मान लिया कि तुम्हारे पास ऐसा कोई कपड़ा नहीं, तो फिर ये कपड़े का टुकड़ा उस आदमी का हो सकता है जो तुम्हारे कमरे में घुस आया था। विक्रम और मालिनी ये कहाँ गए? सर वो मालिनी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो विक्रम उसे कमरे तक छोड़ने गया है। जी सर वो लोग मुझे बता कर गए थे। आपको बता के गया था, जाने कैसे दिया आपने? हमें बिना बताए कोई कहीं नहीं जाएगा, समझे आप लोग? मजाक नहीं चल रहा है, एक लड़की का खून हुआ है, खूनी अभी भी गायब है, सबकी जान को खतरा है। और एक बात अच्छी तरह से याद रखना, खूनी अभी भी इसी होटल में मौजूद है। तुम सबके एक एक के कमरे की तलाशी लेंगे हम, एक एक के कमरे की, फिर पता चल जाएगा। सर ये विक्रम और मालिनी सबसे पहले यहां से खिसके हैं, उनके कमरों की तलाशी लेते हैं। हाँ
क्या हुआ? पूरे होटल में कोई नहीं सर, पूरी कहीं भी नहीं मिली सर। और सर मुझे ऐसा लगता है कि वो औरत और उसकी बेटी ने सर। चुप रहो पंकज, एक बात बताओ, ये मालिनी और विक्रम देखा तुमने उन दोनों को? सर मैं मालिनी के रूम में भी गया सर, वहां पे भी कोई नहीं है। Damn it. हाँ अभिजीत, ये विंग, ये विंग और ये वुलन के कपड़े अभिजीत बिल्कुल इसी कपड़े का धागा हमें मनोज के कमरे में मिला था। सर लगता है ये सारा खेल विक्रम खेल रहा है, ये विग पहन के औरतों के कपड़े पहन के यहाँ आत्मा का नाटक कर रहा है। ये मालिनी और नीलम जब अदिति के कमरे में गए थे तो कहीं ये अदिति बनकर बेड पे यही तो नहीं लेटा था? अभिजीत यही गेम प्लान है उसका। इस विक्रम ने पहले अदिति को मारा और फिर ये विग पहनकर उस अदिति के बेड पर लेट गया। जैसे ही नीलम और मालिनी उस कमरे में घुसी तो उसने देखा अदिति, अदिति को देखकर वो चिल्लाई और दोनों भाग गए। मौका पाके विक्रम वहां से रफू चक्कर। और एक बात अभिजीत, वुलन का कपड़ा उसने इसलिए पहन लिया ताकि कोई खून नीचे ना गिरे, बाहर ना पड़े। लेकिन सर वुलन के कपड़े का धागा मनोज के कमरे में कैसे पहुंचा? ये विक्रम गया होगा ना मनोज के कमरे में दारू का ग्लास लेने के लिए जो अदिति के कमरे में मिला था, उसी समय ये धागा मारा गया और मनोज के कपड़े पे खून लग गया। सर वो डायरेक्टर इतना पिया हुआ है ना सर, वो नशे में, उसको कुछ होश ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है क्या हुआ होगा। सर राजीव कह रहा था कि जब खून हुआ तब वो विक्रम के साथ था। अगर राजीव विक्रम के साथ था तो फिर विक्रम अदिति के रूम में कैसे हो सकता है? अभिजीत ये राजीव झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये राजीव। विक्रम तो गायब है, इस राजीव से पूछताछ करते हैं। राजीव कहाँ? सर वो दवा लेने गए, बस थोड़ी सी देर में आ जाएंगे। वो अपने कमरे में नहीं थे, हम लोग बाहर कॉरिडोर में थे, उनको देखा नहीं वहां पर, कहाँ गए वो? और तुम मालिनी, विक्रम कहाँ है? वो तुम्हारे साथ था ना? सर विक्रम मुझे मेरे कमरे तक लेके गया था, उसने मुझसे कहा कि उसे एक बहुत जरूरी काम है और वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, पर वो अभी तक नहीं लौटा और मुझे ऊपर बहुत डर लग रहा था तो मैं नीचे चली आई। ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि अभी तक आया नहीं? पता नहीं सर। अभिजीत वो वेटर गायब है, मैनेजर भी गायब है, और लंबू काका वॉचमैन तीनों के तीनों गायब है, जबकि हमने सबको कहा था कि कोई यहां से कहीं नहीं जाएगा। इन सबको एक कमरे में बंद कर देते तो फिर कोई कहीं नहीं जाएगा। पर सर हमने तो कुछ नहीं किया। देखिए ये आप सबकी सेफ्टी के लिए, पंकज इनको ले जाओ। आइए फ्रेडी तुम इस तरफ जाओ। पूर्वी, 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 पूर्वी की कन, पूर्वी, सर, हाँ बीच, सर ये यहाँ पे पूर्वी की गन, ये टॉर्च और ग्लव्स वगैरह मिले हैं, ये देखिए अंदर खुफिया रास्ता है। खुफिया रास्ता लगता है पूर्वी इसी खुफिया रास्ते से गायब हुई है, चलो देखते हैं। ये तो पार्किंग एरिया है। हाँ गाड़ियां भी है इधर। सर ये देखिए तो बाइक के टायर के मार्क्स लग रहे हैं। हाँ है तो मोटरसाइकिल के टायर के ही निशान। सर कहीं पूर्वी को किसी ने बाइक पर किडनैप तो नहीं कर लिया? चुप रहो फ्रेडी, पूर्वी एक सीआईडी ऑफिसर है, उसे कोई किडनैप नहीं कर सकता, ये कुछ और ही चक्कर है समझे।
वो क्या है सर? पूर्वी तो नहीं? निकालो आराम से, आराम से। राजीव, राजीव उठो। राजीव, राजीव क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने की? सर वो कौन है? कोई है? तो ये माँ बेटी की आत्मा का नाटक लोगों को डराने के लिए था। हाँ, लगता है अभिजीत इस माता जी का काम पूरा हो गया, भाग गई यहां से। रेडी, काम करो। उस मोटरसाइकिल वाले की इंफॉर्मेशन हाईवे पेट्रोल को और लोकल पुलिस स्टेशन को भी भेज देना, जल्दी। सर, ये देखिए सर। वाह, ड्रग्स। देखा अभी जी, राजीव जी ये शौक भी रखते हैं। सर वो इसी को लेने मैं गाड़ी में आया था। ड्रग्स लेना अपराध है मालूम है ना? प्रोड्यूसर होना टेंशन रहती है सर। सर मैंने वो काका को बता के आया था कि मैं बाहर जा रहा हूं। सर वो मैंने आपसे झूठ कहा था, मैं विक्रम के साथ नहीं था। पर सर वो अदिति के खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पंकज ले जाओ इसे अंदर, चलो। रविजीत, इस राजीव ने काका वॉचमैन को बताया था कि वो बाहर जा रहा है, तो कहीं काका ने इस पर हमला तो नहीं किया? काका ने? हाँ सर, इसीलिए काका गायब है और उसको इस काम में वो वेटर और मैनेजर दोनों साथ दे रहे। हाँ, हवा बना के रखा है आत्माओं का, बस अदिति का खून कर दिया ताकि शक जाएगा पूरा आत्माओं पर, और आत्मा को कौन पकड़ सकता है। सर ये आत्मा की झूठी कहानी के बारे में वो जर्नलिस्ट है ना तानिया, वो भी काफी कुछ बोल रही थी। हाँ तानिया भी है, पर ये पूर्वी कहाँ गई? पूर्वी ने इमरजेंसी सिग्नल भेजा है। मतलब पूरी मुसीबत में है।
उस तक पहुंचना चाहिए। कहां से आ रहा है सिग्नल? सिग्नल सामने से ही आ रहा है सर। चलो जल्दी। उर्वी, 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 तुम ठीक हो? हाँ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ सर। कैसे भैया सब हैं? सब मुझ पे अचानक किसी ने हमला कर दिया और यहाँ पर बंद कर दिया सर। सर मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाई सर। अरे लाइट्स को क्या हो गया? माय गॉड, किसी की चीख है। चलो जल्दी पूरी, चलो। ये तो विक्रम है, किसने इसे भी मार दिया? हमने तो सोचा था कि यही खूनी, इसका खून कर दिया इसने। आ रहे हम लोग हैं सर, हम लोग। क्या किया? मतलब इस सबके पीछे तुम हो? तो तू है सबके पीछे? साहब, मैं तो बस एक प्यादा हूँ, जैसा मुझे कहा जा रहा है बस वैसा कर रहा हूँ मैं। किसके कहने पर काम कर रहा है तू? नाम बता। नाम वाम तो मैं जानता नहीं हूँ, बस फोन पे बात होती है और इस काम के लिए पैसे मिलते हैं मुझे। अच्छा, किस काम के? वो औरत की आत्मा बनकर सबको डराने का काम, इसके लिए पैसे मिलते हैं साहब। और ये लाइट आने जाने का खेल तो ही खेल रहा था। हाँ, अंधेरा करके सबको डराने के लिए। लेकिन साहब, मैंने कोई खून नहीं किया साहब। कहाँ है अदिति? अदिति? कहाँ है उसकी लाश? सर, मैंने कोई लाश वाश नहीं छुपाई है सर। और अदिति मैम को मैंने आखिरी बार यहाँ ये रिसेप्शन के पास देखा था, उसके बाद वो अपने कमरे में भी नहीं गई। आखिरी बार ले आओ उसे, अब देखो। ये याद दी थी, लेकिन ये लाश मुझे नहीं पता कुछ। अच्छा, मैं सच कह रहा हूँ सर। आखिरी बार तूने यहाँ देखा था ना? किसके साथ थी वो? सर, वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। चेहरा नहीं देखा, आवाज तो सुनी होगी? हाँ, आवाज सुनी थी।
तो फिर बताओ आवाज किसकी थी, आदमी की या औरत? साहब वो एक आत्मा वाली होटल, एक ऐसा होटल जिसमें एक औरत और उसकी बेटी घूमती रहती है आत्मा बनकर और लोगों की जाने भी लेती है ना? बड़ी दिलचस्प कहानी प्रोड्यूसर राजीव जी। और वो आत्मा ये वेटर महाशय बन के घूम रहे थे, इन्हें किसी ने कहा था आत्मा बन के घूमने के लिए, लेकिन किसने कहा था वो इन्हें मालूम नहीं। मालूम है वेटर महाशय को, मालूम है कि खूनी एक औरत है। जी हाँ, हमें आदिति की लाश मिल चुकी है और उसकी लाश ने खूनी के बारे में सब बता दिया है। खूनी आप में से ही कोई एक है। मालिनी जी, विक्रम आखिरी बार तुम्हारे साथ था है ना, तो तुम्हें अच्छा मौका था विक्रम को मारने का। नहीं सर, मैं उसे क्यों मारूंगी? वो तो तुम हमें बताओगी। तान्या जी, आप न्यूज मैगजीन में काम करती हैं, कहानियां लिखती हैं, और एक कहानी आपने हमें भी सुना दी, आत्मा की कहानी। सर आप यकीन कीजिए, मैंने कोई खून नहीं किया। शीतल जी, आदिति को मारने का सबसे खास वजह आपके पास है, बताओ क्यों? क्योंकि आपके पति प्रोड्यूसर राजीव जी का आदिति के साथ अफेयर चल रहा था। नहीं सर, मैंने आदिति का खून नहीं किया सर। नीलम तुम? नहीं सर, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस खून से सर। मैं तो रिसेप्शन के पास तक गई भी नहीं, तो मैं आदिति को कैसे मार सकती हूँ सर? हमने तो रिसेप्शन का नाम भी नहीं लिया था, तुम्हें कैसे पता कि आदिति का खून रिसेप्शन के पास हुआ था? सर वो तो मैं जब मुंह से निकल गया है तो पूरा सच बोल दो। मैं नहीं किया ये सब, ये सब मैंने राजीव को बर्बाद करने के लिए किया। अंकल है वो मेरे, मेरे पापा और राजीव कजिन थे, चचेरे भाई, दोनों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की, लेकिन इन्होंने मेरे पापा को धोखा दिया और पूरी कंपनी अपने नाम कर ली। एक पैसा तक नहीं छोड़ा उन्होंने मेरे पापा के पास, और फिर पापा ने आत्महत्या कर ली। और फिर भी तुम राजीव की फिल्म कंपनी में काम कर रही थी, नौकरी कर रही थी? इन्होंने मुझे नौकरी दी थी दुनिया को दिखाने के लिए कि ये कितने अच्छे इंसान हैं। आदिति का क्या कसूर था, उसे क्यों मारा तुमने? मैं जानती थी कि राजीव के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, वो हर हाल में ये फिल्म पूरी करना चाहता था, और हीरोइन के बिना तो फिल्म पूरी नहीं होती ना। सिर्फ 5 ही दिन बचे थे शूटिंग कंप्लीट होने में, और उससे पहले मैंने आदिति को मारने का प्लान बना लिया, दूसरी हीरोइन के साथ पूरी फिल्म दोबारा से शूट नहीं कर सकता था राजीव। दूसरा कोई तो था तुम्हारे साथ इस पूरे साजिश में, कौन था? विक्रम था मेरे साथ, प्यार करता था मुझसे, मेरे लिए कुछ भी कर सकता था। विक्रम और मैंने मिलके आदिति को रिसेप्शन पर ही मार डाला। और फिर तुमने विक्रम को भी मार डाला, क्यों? विक्रम तो तुमसे प्यार करता था, तुम्हारी मदद कर रहा था इस पूरी साजिश में। वो अपना मुंह कभी भी खोल सकता था, और वैसे भी किसी भी फिल्म की अगर हीरोइन मरती है तो हीरो का मरना तो बहुत जरूरी होता है ना। वाह रे वाह, यही दिमाग अगर अपनी पिताजी की बंद फिल्म कंपनी को खड़े करने में लगाती दोबारा, तो शायद आज ये दिन नहीं आता। अब जेल की सलाखों के पीछे दिन गिनते बैठना, फांसी का ऑर्डर तब तक आ ही जाएगा।